हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत खास वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने काली स्किन को गोरा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये कहना गलत होगा कि हम काली स्किन को गोरा कर सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई रेमेडी बनी नहीं है जो काले इंसान को भी गोरा बना दे। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा अगर होता भी तो कोई भी इंसान काला नहीं होता, सांवला नहीं होता। लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंदर एक नुस्खा बताने वाले हैं जिसकी उपयोग करने से, जिसका प्रयोग करने से आप अपने कालेपन को थोड़ा सा गोरा कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं और अपनी स्किन को आप निखार सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपनाएंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इसके नुस्खे के अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और जो आपकी स्किन को अंदर से निखार देगा। और आपके चेहरे पर किसी भी तरह का दाग धब्बा हो, निशान हो, मुहासे हो, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से साफ कर देगा, हटा देगा। तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो समझना है ढंग से, ये नुस्खा समझना है कि कैसे काम करेगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों, नुस्खा शुरू करते हैं। इस नुस्खे के अंदर जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, नींबू के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं उसको ओपन कर देता है, पोर्स को ओपन कर देता है, और हमारे स्किन की जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। इसके साथ साथ ही हमारे चेहरे के स्किन पर जो दाग धब्बे होते हैं, मुहासे होते हैं, वो भी हटाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो इस नींबू को हम कुछ इस तरीके से बीच में से दो हिस्से कर लेंगे और बड़े सहायता से आराम से इस नींबू को आप इस तरह से काट लीजिए, आपके हाथों पर लगना नहीं चाहिए। आप जब इसको इस तरह से दो भागों में बांट लेंगे तो आप एक भाग को इसके अंदर निचोड़ लीजिए। कटोरी बाउल के अंदर हमने एक साफ बाउल ले ली है और इसके अंदर हमने नींबू का रस को निचोड़ लिया है। दोस्तों, आपको नींबू की मात्रा डिपेंड इस पर करती है कि आपको कितनी स्किन पे अप्लाई करना है। अगर आपको चेहरे पे, गर्दन पे भी अप्लाई करना है इस नुस्खे को, तो आप पूरा नींबू ले सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितने एरिया पे लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने नींबू निचोड़ लिया है इसके अंदर। नींबू निचोड़ने के बाद में इसके बीज हैं उनको आप निकाल देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, नींबू का रस इसके अंदर हमने निकाल लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें कोलगेट लेनी है। कोलगेट के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट करने में, गोरा करने में हेल्प करती है। तो इसमें भी हम कोलगेट की थोड़ी सी मात्रा मिला लेंगे। कोलगेट के अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट करने में, गोरा करने में हेल्प करती हैं। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद में, मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर एलोवेरा जेल मिलाना है। एलोवेरा जेल के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के दाग धब्बे को उठाती हैं और हमारी स्किन को गोरा करती हैं और काफ़ी अच्छा करती हैं। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन के जो पोर होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उनको खोल लेती हैं, जिससे कि आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है और आपकी स्किन गोरी हो जाती है। दोस्तों, ये हमने पैकेट लिया है, ये पतंजलि का है, लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ है तो उसमें से आप जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिन को निकाल लेंगे, फ्रेश निकाल लेंगे, तो आपकी वो स्किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन मेरे पास पेड़ नहीं है तो इसलिए मैं इसी से काम चला रहा हूँ। इस तरीके से आप इसमें एलोवेरा जेल निकाल लेंगे और उसको भी इसमें मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही शानदार रेमेडी है, इसको कई लोगों ने उपयोग किया है और उसके बेनिफिट बहुत ही पॉजिटिव आए थे, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में इसको नुस्खे को बता रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में आपको अब आखिरी में क्या करना है, आपको एक चम्मच बेसन मिलाना है। बेसन के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन में ग्लो करती हैं और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं और हमारी स्किन को काफ़ी गोरा कर देती हैं। इसको भी, बेसन को अच्छे तरीके से इसमें मिला लेना है हमें। और मिलाने के बाद में कुछ आपको इस तरीके से पेस्ट
बन के तैयार हो चुका होगा आपका। थोड़ा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इस तरह से लेना है और अपनी स्किन पे इस तरीके से इसको लगा लेना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया है, नींबू की प्रॉपर्टीज़, एलोवेरा की, एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टीज़, बेसन की प्रॉपर्टीज़ और कोलगेट की मिक्सर से जो हमने बनाया है पेस्ट, इसके जो सारे गुण होते हैं वो हमारी स्किन में समा जाएंगे और उससे हमारी स्किन ब्राइट हो जाएगी, गोरी हो जाएगी और जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होंगे वो भी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये नुस्खा कैसा लगा, कौन कौन इस नुस्खे को अपनाने वाला है, आपकी कोई समस्या है, दुविधा है तो कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, एक नए नुस्खे के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।